अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो आपको मैं आज दिखाता हूँ कि हम आए किधर हैं। हम इधर आए पोर्ट पोर्ट ये है पोर्ट कासिम। हमारे एक दानिश भाई शर्मिला और ये दानिश भाई, ये आपको बताएंगे कि हम किधर हैं। हम पोर्ट कासिम पे हैं, लिहाजा अभी हम जहाज पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह जहाज पे बैठ के आपको हम बताएंगे। जनाब आज हम जा रहे हैं पोर्ट कासिम। आज हम अंदर जाएंगे पोर्ट कासिम। ये हमारे साथ एक और दिशा दानिश, एक पहले दानिश थे, अभी दूसरे दानिश अभी आ रहे वो भी साथ में। हाँ भाई, ये तेरा टाइम है आने का। तेरा टाइम है आने का ये बाजार में जाने की तैयारी, सारा सालों सामान इसी में है। ये डोरे वगैरह ये सब इसके अंदर है। हाँ इस तरह बोल रहे यार, जो कर रहे हो वो बताओ। ये फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आगे जाएंगे, फिर वहाँ पे शिकार करेंगे। अच्छा लंच में कैसे, ऐसे लंच में बैठेंगे? इससे बड़ा इंशाल्लाह ताला इससे बड़ा जहाज होगा, उसमें जाएंगे, फिर आपको जहाज की तस्वीर भी दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। इससे बड़ा जहाज है इंशाल्लाह ताला, फिर जब कोई मुश्किल लगेगी तो उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। हमारे एक दानिश भाई से रहा नहीं जा रहा है और उन्होंने जो है ना कुंडा अभी से ही फेंक दिया। क्योंकि जब हमने वेदर में देखा था तो उसमें सिर्फ पूरे समंदर में एक मछली नजर आ रही थी, उसी की तलाश है हमें। अच्छा तो हमारा जो जहाज है पानी का वो चलने लग गया है, जो हमारा जहाज है हमने खरीदा जो है पार्टनरशिप में लिया है हम लोगों ने। तो अभी हम बस रास्ते में हैं, ये सामने बड़े बड़े लॉन्च हैं। पानी बैग बैग दिखा देता हूँ आप लोग को, बैग दिखाता हूँ मैं इसका। ये देखो भाई, आपको इसका ऊपर का हिस्सा भी दिखाएंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। हमने कहा था ना कि हम लंबे सफर पे जाएंगे। चलो भाई अभी ऊपर जाएं। जा रहे ऊपर। चलो भाई सारे ऊपर जा जाए। ये हमारे सलाम भाई हैं। सलाम भाई। ये आ गए अब हम ऊपर।
ये अभी ऊपर का नज़ारा है, इससे भी ऊपर चलते हैं। ये इसके और भी ऊपर टॉप है, ठीक है। हाँ भाई दानिश, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त जगह है, अभी वहाँ जाएंगे फिर शिकार देखेंगे कैसा लगेगा, क्योंकि अभी पानी उतर रहा है तकरीबन, और हमारे जब तक पहुँचेंगे चढ़ना शुरू हो जाएगा पानी। ज़बरदस्त, दो घंटे लगेंगे वहाँ चढ़ने। तो क्या उम्मीद है आज शिकार के बारे में? इंशाल्लाह ताला आना तो हम पकड़ लेंगे, पर उसको ऊपर कैसे निकालेंगे, ये होता है जज्बा भाई बल्ले में, तो जज्बा बड़ा जो है ना मच्छी को ऊपर निकालने के लिए क्रेन का ये भाई ये कुंडा आप देख रहे हैं, मच्छी निकालेंगे और जो है फिर सही शिकार करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको जो शिकार करेंगे उसकी भी वीडियो भेजेंगे, जबरदस्त आप लोग देख के एंजॉय करना। वैसे भी अगर शिकार नहीं भी लगे तो ऐसे मौके थोड़ी मिलते हैं बार बार। वैसे ये बंदा आज बोला, ये बोला रास्ते में तकरीबन हमें 2-3 घंटे तो लगेंगे। काफ़ी बड़े शिप में हैं आज हम, और ये ऐसा है कि अगर पानी मसलन तूफान भी हो ना तो हमें कुछ नहीं होने वाला है, हम बिल्कुल सेफ रहेंगे, बिल्कुल सेफ है आज इंशाल्लाह। चलें बाकी वीडियो हम पहुंच के बनाते हैं इंशाल्लाह। इस जगह पे पानी का राउंड बहुत ज्यादा गोल घूमता है पानी, ठीक है। इस जगह से ये जगह का नाम हमने शैतान चौक रखा, शैतान चौक कहते हैं इस जगह को। और यहाँ पर जो है ना ये लोग किसी काम से यहाँ पर रुक नहीं सकते हर वक्त इधर पानी खराब होता है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये लोग रुक नहीं सकते, यहाँ का पानी कह रहे हैं कि वो घूम रहा होता है उसकी वजह से। अच्छा भाई खाना खाने का टाइम हो गया है भाई, थोड़ा तेज शोर, इसमें शोर बहुत है, लोग पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला पॉइंट पे, आधे घंटा लगेगा। ये भाई कौन है, बड़ा शर्मा रहा है हमारे भाई, हमारा खाने का नहीं लेता है वो भाई, खाना आ गया। ये अभी दूसरे बंदे का है, हमारा भी आएगा भाई। हम साथ में सारे खाना खा रहे हैं, ठीक है भाई, ओके भाई। अच्छा जी, तो खाना तो हमने खा लिया और अभी चलते हैं। ये अभी ओपन सी शुरू हो गया, ये ओपन सी लगी हुई है, और ये जो है ना दो
करने के लिए होता है या तो कोई चीज़ खींचने के लिए, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें तो भाई अब ओपन किया है, यहाँ पर हम देखते हैं अपनी लक आजमाते हैं। महंगे शिकारी हैं, महंगे महंगे मछलियाँ पकड़ी हैं। जी भाई खाना खा लिया आप लोगों ने? बहुत जबरदस्त हो रहे हैं, मौसम भी अच्छी है और बस अभी देखो पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। हाँ अभी देखो महंगी महंगी मछलियाँ पकड़नी है, यहाँ तक आने में तकरीबन लाख रुपए का डीजल लिया है इसने, चार लाख रुपए का डीजल इसने खाया है भाई। सलाम भाई के हमारे पास खास मेहरबानी है, ये तो बहुत इनकी मेहरबानी है भाई, इतने महंगे ट्रिप पे आए हैं, अब देखते हैं कि महंगी महंगी मछलियाँ भी पकड़ेंगे या नहीं। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो जरूर। तो हो जाएगी। ये बताओ दानिश भाई, दोनों भाइयों कैसा नजारा है और कैसा महसूस हो रहा है? चाय इसकी बनाई है, बेहतरीन बनाई है, बिल्कुल कड़क चाय, कड़क चाय, कड़क चाय। समंदर कैसा है? समंदर भी कड़क है? नहीं है, समंदर इसे बोलते हैं, वो नाले हैं हमारे यहाँ, नाले हैं। ये अब आए मेन समंदर। तो भाई यहाँ पर शिकार का नहीं, ये लो भाई चलो फिलहाल तो चाय का मजा लेते हैं। ये इनका बाथरूम की जगह है, शीशा बेसिन वगैरह, और ये लाइन से ये बाथरूम है, और ये शावर की जगह है, शावर ये दिख रहा है और यहाँ पर बाकी ये पीछे वही जगह है जो बैग वाली है। टॉप पे नमाज पढ़ने, मेरे ख्याल से वही जगह है नमाज की, देखते हैं। जी जनाब नमाज तो हमने पढ़ ली है और अब चलते हैं, रखते हैं साइड पे, अब चलते हैं थोड़ा शिकार की साइड पे, क्योंकि जो शिप है वो अभी रुक गया और ये हम हैं बिल्कुल ओपन ओपन सी में, तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी आपको दिखेगा, सिर्फ बड़ी बड़ी शिपें दिखेंगी वो, जैसे कि वो क्या हाल है आपके? खैरियत है? सलाम भाई, आप कब से हो यहाँ पर? 16-17 साल हो गए। काफ़ी अच्छे हो गए, काफ़ी इन्होंने जो है जहाज के जो है बहुत सफ़र किया है इसमें, तो इसको कितना टाइम हो गया जहाज? तो 50 साल हो गए इसको। ठीक है, क्रेन व्रेन लगे हुए हैं इसका और अभी भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है ये, बहुत के मुँह में काम करते हैं, यानी बहुत मुश्किल काम है। सही है, आप देखेंगे आगे चल के आपको दिखाएंगे कि ये कौन सा काम होता है इनका, वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है दानिश फिर से आ रहा। ये अभी क्रेन के जरिए इसे उठाएंगे,
वाला जो वाइट वाइट हो रहा है ना, ये मल है, मल परिंदों का मल है। ये भी हमारे सलाम भाई इस पे कर गए। ये हमारे पायलट साहब हैं यहाँ के। जी जनाब, शिकार तो बड़ा टॉप और टॉप चल रहा है। ये सारा ये वही बोरा भरा हुआ है। ये देखो भाई, दानिश भाई ने एक पकड़ा, साइड पे कर रहे हैं भाई, संभाले नहीं जा रहे दानिश भाई से। तो सारे भाई मसरूफ हैं इधर कैमरे में, तो देख ही नहीं रहे। भाई ये कह रहे हैं कि शिकार छोड़ दें और कैमरे में देख लें। तो क्या कहना चाहोगे भाई आप लोग, कैसा रहा आपका शिकार? बस आज का शिकार ऐसा है कि भूलेंगे नहीं। और भाई ये वाला दानिश क्या बोलता है? तो लगे थे, क्या बोले? चलो हमने भी कुंडे डाले हुए हैं फिलहाल, तो अभी जो उम्मीद है वो वाला बड़ा वाला दाना तो नहीं लगा, पर ये छोटे छोटे काफ़ी लग गए। तो देखते हैं आगे आगे, अभी तो है टाइम। फिलहाल फिलहाल तो ये लगाया हुआ है। ये जी भाई, रुक 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 रुक। लेकर चलता हूँ। एक बंदे ने इतनी मेहनत की, अजे है पकड़े, मछलियाँ पकड़ी, मगरमच्छ पकड़े, अब जाके ये हाल हुआ है। मगरमच्छ भी पकड़े, अजे है भी पकड़े। हाँ भाई दानिश, कल भी आने हो, कैसे लगा है शिकार? यार कैसा लगा शिकार, तो ऐसा लगा पूरा बोरा भरा हुआ है हमारे पास। भाई ये देखो, हाँ क्या ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आज के शिकार था, अभी बस जाने का टाइम है। और तो एक दानिश था वो सोने लग गए, वो तो देख लिया आप लोगों ने। तो नज़ारा थकन तो हुई, मज़ा भी आया इंजॉयमेंट की। और ये जो लगी है इसको क्या कहते हैं? बांगड़ा। ये बांगड़ा लगी है हमें, बांगड़ा। अच्छा, और एक दलिया लगी है, दलिया है, तीन दलिया लगी है। तो जना मछलियाँ तो हमने ये पकड़ी हैं, तो इसको कहते क्या हैं, इसका नाम क्या है, सारे यही लगे। ये तो हमारा सफ़र बस इख्तिताम को पहुँच गया है, और बस रवानगी हो रही है। हर जगह अंधेरा है, मैं तो ये लाइट के सामने खड़ा हूँ। ये दूसरी बोट है इसमें, और एक साइड पे इस साइड पे है बोट, ये क्रेन है। तो बस हमारे जाने का टाइम है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।